में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। आज हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे अपना, एजिस वाला। मैं बढ़िया जी, आप बताइए। होली खेलेंगे, देखो कल तो क्लास होगी, मंडे ऑफ रहेगा आपका, कल के बाद आपको 3 छुट्टी रहेगी, ठीक है? क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा काम के लिए कुछ, इस वजह से मंडे आपका ऑफ रहेगा, मतलब कल परसों चौथे 3 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। तो आप भी अपना आगे पीछे की क्लासेस जो भी है ना, आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह से कवर कर लीजिएगा। कल तो होंगी बेटा, कल क्लास होंगी, मंडे आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे मंडे, मतलब हाँ 3 दिन छुट्टी रहेगी। और हो सकता है आपको शाम को, मतलब रात को 8 बजे के आसपास एक एक यूट्यूब सेशन होगा, अदरवाइज आपका पूरा दिन छुट्टी रहेगी। सुमन बेटा, इंडिविजुअल पे कोर्सेज हैं मेरे, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, सारी की सारी आप कवर कर सकते हो, एक एक करके सारी यूनिट्स को आप कवर कर सकते हो। चलो बातें बंद और काम शुरू। एक सेकेंड, फिर मैं लैन केबल लगा, एक सेकेंड। ओके चलिए, अभी ना मैं आप लोगों को कल रेशियो के कैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैंने कवर करवा दिए हैं, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैंने कवर करवाना है, प्लीज इसको बात को ध्यान से याद रखिएगा। जैसे आपके पास सपोज करो दो नंबर है, दो आपके पास कोई भी दो नंबर है जो 2:3 की वैल्यू में है, ठीक है? आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि दो नंबर हैं जी, वो 2:3 में है, फिर वो बोलेंगे कि दोनों नंबर में हमने 4 को ऐड कर दिया, है ना? क्वेश्चन ऐसा ही होता है, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। वो बोलेंगे कि दोनों नंबर में हमने 4 को ऐड कर दिया, तो जो नई रेशो बन गई वो 3:4 बन गई, तो बताइए जी नए नंबर कितने होंगे, ठीक है जी? सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक आइडिया। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि पहले रेशियो इतनी थी और दोनों में एक ही नंबर को ऐड किया जा रहा है, याद रखिए दोनों में एक ही नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो आप लोगों ने सिर्फ इन दोनों नंबर के गैप को चेक करना होता है। अगर गैप सेम है, जैसे यहां पर 2 से 3 एक का गैप है और यहां से 3 से 4 के बीच में भी एक का गैप है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 4 के बराबर दी हुई है। तो सारी वैल्यूज अपने आप का 4 गुना हो जाएंगी, ये वैल्यू 12 होगी, ये वैल्यू 16 होगी, ये वैल्यू भी
12 हो जाएगी और ये वैल्यू 8 हो जाएगी। 4 से क्यों? क्योंकि 4 ऐड किया ना, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 4 ऐड किया, बट जब हम रेशियो के हिसाब से देखा तो 3 और 4 के बीच का गैप 1 है, यहां पर तो 1 ऐड किया ना, तो हाइपोथेटिकली 1 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट, मतलब 1 की वैल्यू 4 है, तो अगर 1 इक्वल टू 4 है तो 3 इक्वल टू 4 होगा, 4 इक्वल टू 12 होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 और 4 को क्वेश्चन में दिया रखा होगा बेटा, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ऐसे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सी फोटो दिखाता हूं आपको, आपको फोटो देख के ना एकदम से खुशी सी हो जाएगी। ये देखो, When you are solving math problems and you get the age of son more than the age of father, कितनी अच्छी फोटो है ना, the beautiful photo, कितनी सुंदर तस्वीर है ना। चलिए तो ये भी क्वेश्चन करेंगे, पहले आप लोगों को मैं रेशियो का कंसेप्ट समझा दूं कि रेशियो का कंसेप्ट होता है कैसे। चलो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसको समझना। देखो उसने बोला कि दो नंबर हैं, वो 2:3 की फॉर्म में है, मतलब 2:3 में है, उसने बोला दोनों नंबर में हमने 6 ऐड कर दिया, मतलब यहां पर भी 6 को ऐड कर दिया और इस साइड पे भी 6 को ऐड कर दिया, तो जो नई रेशियो बन गई वो कितनी बन गई, 4:5 बन गई। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि गैप कितना है, बस अगर गैप बराबर है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म। अब अगर आप देखते हो 2 और 4 के बीच में गैप कितने का है, 2 का, 3 और 5 के बीच में गैप कितने का है, 2 का, इसका मतलब ये जो 6 वैल्यू दे रखी है ना, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू 6 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6/2 = 3, तो अब इन सारे नंबर्स को 3 के साथ गुणा कर दोगे, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9, इसका मतलब जो पहले नंबर थे वो 6 और 9 थे और अब जो नंबर आए हैं वो 12 और 15 होंगे। संख्या ज्ञात करो, अरे वो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो, अगर नए नंबर पूछा है तो ये बोल देंगे, अगर पहले वाले पूछा तो ये, उसके टेंशन मत लो, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ इस फॉर्म, इस मेथड को अप्लाई करना सीखना है। सर 2 की वैल्यू कैसे 6 हुआ, तो बेटा ये गैप है वो 2 के बराबर है ना, मतलब रेशियो के हिसाब से आप 3 में कितना ऐड कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो, 5 आ रहा है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ऐड नहीं किया जा रहा, 6 ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 6 के बराबर दे रखी है। अगर सेम डिफरेंस नहीं हो तो भी बताऊंगा। अब एक तो ये वाला मेथड है जो आप यूज करते हो, अब इसमें आप एक्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसको आपको बता देता हूं, आप कैसे मानते हो कि एक नंबर होगा 2x, दूसरा नंबर होगा 3x, दोनों में 6 को ऐड किया और 9 रेशो क्या बन गई, 4/5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, यू कैन सॉल्व, इसको आप एज अ बैकअप प्लान की तरह रख सकते हो। इसको आप कैसे रख सकते हो, एज अ बैकअप प्लान रख सकते हो, कि अगर कुछ भी समझ नहीं आया, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई जुगाड़ नहीं लगता है, तो हम ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, क्योंकि ये सबको आता है, ये जो एक्स वाला मेथड है ना वो ऑलमोस्ट सबको आता है, तो इसको आप बैकअप प्लान की तरह यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ बैकअप प्लान की, ठीक है भाई, बैकअप प्लान की तरह हम इसको यूज कर लेंगे, राइट right? 6 को मल्टीपल क्यों किया सर, 6 को मल्टीप्लाई क्यों किया, 6 को कहां मल्टीप्लाई किया मैंने,
सिक्स को हमें मल्टीप्लाई किया हुआ, तीन से किया है ना, तीन से किया, तो ये दो है वो छह के बराबर था, तो एक यूनिट है वो तीन के बराबर हो जाएगी, एक यूनिट तीन के बराबर हो जाएगी। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो भी बताऊंगा। अच्छा क्यों नहीं किया, देखो हम एक यूनिट निकालते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो सारी यूनिट्स की वैल्यू आएंगे। कोई नहीं, अब अगला क्वेश्चन करो, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो आप इसको बनाओ, ये आप खुद ट्राई करो। एक्स वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, वो आपने पांचवीं छेवीं में पढ़ा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसमें, आप खुद से देख लीजिएगा उसको। एक्स वाला तो आप बहुत बार पढ़ के आए हो ना, उसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो जो बड़ी बड़ी किताबों में दे रखा होता है वो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो सब नंबर्स के साथ। अदिति फर्स्ट स्लाइड को छोड़ दो बेटा, आप यहां से समझने की कोशिश करो, हो सकता है वहां पे कुछ गलती हो गई हो, आप उसके बारे में मत सोचो अभी, फिलहाल जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। इसको बनाइए, अब देखो सेम टू सेम वही बात बोली जा रही है, दो नंबर है, दो रेशो तीन में है, दो रेशो तीन में दे रखे हैं। उसने बोला कि अगर मैं पांच ऐड कर दूं तो हर नंबर पांच रेशो सात बन जाएगा। दोनों में क्या क्या ऐड किया गया है, प्लस फाइव ऐड किया गया है। तो आप देखो यहां पर गैप है तीन का है, यहां पर गैप दो का है। अब गैप बराबर नहीं है, है ना, यहां पर गैप बराबर नहीं है, तो वो वाला तरीका यहां पर इस्तेमाल नहीं करेगा। अब एक तरीका तो यही है कि 2x बटे 3x प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 5 बटे 7, सॉरी ये 4 का गैप है, कोई नहीं मैं वो कर देता हूं। एक तो ये तरीका है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, एक तो ये तरीका है अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। बट अदरवाइज इसका एक और तरीका है, वो क्या है कि हम इस गैप को बराबर कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड है जिससे हम इस गैप को बराबर कर सकते हैं। उस गैप को कैसे बराबर करते हैं, जो इसका गैप है दो, उसको इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले गैप को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर वाला गैप है उसको नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आया, जो नीचे वाली यूनिट्स का गैप है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाले का गैप है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं दूसरी स्लाइड पे लिखता हूं, दो रेशो तीन है, ये दो रेशो तीन है और ये पांच रेशो सात है। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, क्वेश्चन में दे रखा है पांच रेशो सात। हमने क्या करना है, हमने इसका गैप देखा, इसका गैप कितना है पांच और सात का, दो है, तो इस दो को इस दो के साथ गुणा कर दो, दो दूनी चार, और इस दो को इस तीन के साथ भी गुणा कर दो, तो मतलब जो नई रेशो बन गई वो यहां पे चार रेशो छह बन गई, और इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, एक है, तो इस एक को पांच के साथ गुणा कर दो और इस एक को सात के साथ गुणा कर दो। एक के साथ गुणा करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, पांच रेशो सात। तो क्या अब गैप बराबर हो गया या नहीं हो गया, यहां पर भी एक का गैप, यहां पर भी एक का गैप। अब ये वाला नहीं यूज करना, ठीक है, अब जब नई रेशो आ गई ना तो इसको भूल जाना, इसका कोई काम नहीं है, राइट। जो अब नंबर आएगा ना वो इसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से आएगा। तो अब एक हो गया और ऐड कितना किया था, पांच, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, पांच के बराबर है, तो सारे नंबर अपने आप का पांच गुना हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये बीस हो जाएगा, ये तीस हो जाएगा, ये बीस हो जाएगा और ये पैंतीस हो जाएगा। हेतल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, गैप बराबर करने के लिए
नीचे वाले का जो गैप है उसको ऊपर वाले दोनों नंबर से गुणा कर दिया, 25 हो गया ना, और जो ऊपर वाला है उसके गैप को नीचे वाले से गुणा कर दिया। इज इट क्लियर, समझ आ गया? अब अगर गैप बराबर है फिर कुछ नहीं करना, और अगर गैप बराबर नहीं है तो फिर उस गैप को बराबर कर सकते हो। यू कैन इजीली मेक द गैप इक्वल। ठीक है जी। अब जो लोग x बोल रहे हैं उनके पास x की वैल्यू 10 आ रही होगी, तो बस फिर वो इसके हिसाब से करेंगे ना, 10 दूना 20, 10 दिया 30, ऐसे करके, समझ रहे हो ना? तो वो अलग तरीके से करेंगे। तो हमें कुछ नहीं किया, हमने नीचे वाले गैप को निकाल के ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले गैप को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो दैट सिंपल। चलो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दो नंबर है वो 17:24 की फॉर्म में है, उसमें से क्या सब्स्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए कि रेशो 1:2 बन जाए। अब देखो गैप सब्स्ट्रैक्ट ही, वही तो बताया है कितना करना है, यही तो सीखना है। गैप बराबर करो आप, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब क्योंकि हमें गैप बराबर नहीं है, यहां पर जो गैप है वो 16 का है और यहां पर जो गैप है वो 22 का है, तो हमें गैप को बराबर करना है। गैप को बराबर कैसे करेंगे, मैं दूसरी स्लाइड पे लिख देता हूं। 17:24 है और ये 1:2 है। अब देखो इन दोनों का गैप कितना है, 1 है, तो 1 को मैं गुणा करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है वैल्यू पे? बोलोगे सर नहीं, ये तो 17:24 ही रहेगा, तो 1 को तो गुणा किया या ना किया कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पर जो वैल्यू है कितनी है, 4 और 3 7, इसको गुणा करेंगे, 7 और 7 2 14, तो ये जो गैप आया 10, यही आपका आंसर होगा। This is the answer. कि 10 को ऐड करेंगे तो वैल्यू, अगर नहीं पता आपको लगता है तो आप 17 में 10 ऐड कर सकते हो, इसमें 10 ऐड कर सकते हो, रेशो को निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाए। मतलब 17 में से देखो, अब 17 में से 10 माइनस किया तो कितना आएगा, 7, और 24 में से 10 माइनस किया तो 14, रेशो 1:2 आ गई या नहीं। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप क्रॉस चेक भी कर सकते अगर आपको लगता है, यू कैन इजिली क्रॉस चेक। तो ये इसका गैप था, उसको ऊपर वाले दोनों से गुणा कर दी, इसका जो गैप था उसको नीचे वाले दोनों के साथ गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10, राइट? तो आसान तरीका है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे, अरे भाई 17 और 24 है दो नंबर, इसमें से 10 माइनस करोगे तो क्या नई रेशियो 1:2 बनती है, ये दिखा तो दिया प्रूफ करके। 17 में से 10 माइनस किया तो 7 आया, 24 में से 10 माइनस किया तो 14 आया, तो इनको कैंसिल कर दे, 1:2 आ गया। 1:1 थोड़ी आया, 1:2 आया बेटा। यार 7 और 14 कितना होता है, 1:2, चलो अगला बनाओ। इसमें क्या ऐड करें,
सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें ये बोला गया है कि इसमें क्या ऐड करें ताकि जो रेशियो है वो अलग बन जाए। आंसर 10 हुआ। आंसर, अरे वैल्यू ही 10 आई है ना, तो 10 ही ऐड कर रहे हैं। अरे यार तुम लोग, मतलब मैं हैरान हूं इस चीज को, गैप ही तो आंसर आएगा ना, तो 7 और 17 और 24 और 14 के बीच में कितने का फर्क है, 10 का ही तो फर्क है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो यार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, आधे बच्चे तो क्वेश्चन में लिखी हुई वैल्यू मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये कहां से आया। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कैसे नहीं आंसर आएगा, अब क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। दो नंबर 7:7, अब इसी सिंगल पेज पे सॉल्व करता हूं। 7:13 में है, उसने बोला कि इनके बीच में कुछ ऐड करना है, हमें नहीं पता कितना ऐड करना है। नई रेशो कितनी बन जाएगी, 2:3 बन जाएगी। अब आप सोचो कि 7 और इसके बीच का गैप 5 है और इधर 10 है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले गैप को 1 को इन दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा, और इनका जो गैप है 6 को इसके साथ और 6 को इसके साथ। तो मतलब क्या हुआ, ये नई रेशो क्या बन जाएगी, 7 और 13, 6 × 12 और 6 × 18, तो गैप कितना है 5 का। इसका मतलब हम 5 ऐड करेंगे, हम 5 ऐड करेंगे। अब सोचो अगर अब इसको क्रॉस चेक करना है ना, तो अगर आप इसको कैंसिल करते हो, 2:3 ही तो आता है, यस और नो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो ना, क्वेश्चन भी बोल रहा है ना कि 2:3 बन जाएगा, तो आप इसको 2:6 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 2:3 हमारे यहां पर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया, इज इट क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब ये वाला बनाइए, रेशो बहुत इजी टॉपिक है, मतलब एवरेज और परसेंटेज से भी आसान है रेशो, मुझे पर्सनली लगता है। इसको बनाइए, अब देखो इसको अगर आप पढ़ते हो तो इसमें क्या आता है, 2 नंबर हैं, वो 3:5 की फॉर्म में है, दोनों में 10 ऐड कर दिया तो नई रेशो कितनी बन गई, 5 और 7। तो अब गैप तो बराबर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर भी 2 का गैप और यहां पर भी 2 का है, बट क्वेश्चन बोल रहा 2 का नहीं 10 का गैप है। तो अगर 2 यूनिट 10 के बराबर हैं तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 10/2 = 5, तो सारे नंबर्स को 5 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इतना आसान होता है इस मेथड को यूज करना, अगर आपने इस मेथड को सीख लिया तो बड़ी आसानी से हर क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा, बट इस मेथड पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क ऑन दिस मेथड, आपको इस मेथड पे काम करना पड़ेगा। तो उसमें से छोटी संख्याएं, मतलब 25 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, वो देखो वो ऑप्शन के हिसाब से होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। चलो अगला बनाओ, कल क्लास होगी, मंडे ऑफ रहेगा आपका।
यस, बराबर करने के बाद की जो वैल्यू आएंगी उनको कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें तीन नंबर आ गए, 1:2:3 है। अब सब में 5-5 ऐड कर दिया तो नई रेशो 2:3:4 बन गई। तो बताइए गैप कितने का है, 1-1 का गैप है और 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर। तो बस ये 10, ये 15, ये 20, ये 5, ये 10, ये 15, बस खत्म। इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में, है इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, सीधा सीधा एकदम से बिना ज्यादा टेंशन लिए, है ना। चलो अगला बनाओ। अब ये मैंने आपको कल सिखाया था, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। अरे इसमें क्या है यार, ये तो सीधा सा तो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सबका गैप 1 है और 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो सारे नंबर अपने आप 5 गुना नहीं होंगे क्या। एक और बैक, अरे यार यहां तो इसमें तो किसी में बैक गैप का कोई डिफरेंस ही नहीं था, जिसमें गैप देखना ही नहीं है उसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा देखो 2 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 1 की 5 के बराबर होगी, तो ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, है ना, बस खत्म। तीन वाले में आपको डिफरेंस अलग नहीं पूछा जाएगा, तीन वाले में आपको डिफरेंस अलग नहीं पूछा जाएगा। प्रिया वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा बेटा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो तीन नंबर हैं, ए और बी और एक सी, हम जिस नंबर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना, जिस नंबर के साथ बाकी नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, हम उस नंबर को 100 मान लेते हैं। बात समझ आया, जैसे इसमें बोला है ना कि एक नंबर 20 और 50 तीसरे से ज्यादा है, तो अगर आप तीसरे नंबर को 100 मान लेते हो, ठीक है जी, अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं, तो पहला नंबर 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20 होगा, तो ये 120 हो जाएगा, है ना, 100+20, और दूसरा 50% ज्यादा है, तो 100 का 50 50, तो ये 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, तो ये आप इसको काट सकते हो। अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे, देखो वैसे तो ये आपस में कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि यहां तो 2 से जाएगा 3 से, बट उसने पूछा है दो नंबर्स की रेशियो पूछी है, तो पहले दो नंबर्स की रेशियो पूछी है तो ये किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4:5 आंसर आ जाएगा। प्लस इस वजह से कर रहे हैं ना क्योंकि मोर पूछा है, कोई वैल्यू 100 से 50% मोर है, तो इसमें 50 ऐड नहीं होंगे क्या, ज्यादा है तो ऐड कर देंगे और अगर कम है तो माइनस कर देंगे, जब ज्यादा लिखा हुआ है तो ऐड कर देंगे और कम लिखा हुआ है वो माइनस कर देंगे। 10 का पूछा नहीं था ना बेटा, पहले दो नंबर पूछा, अगर तीनों पूछा होता फिर इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे, अगर तीनों की वैल्यू पूछी होती तो 100, 15 और 10 आ जाता फिर, क्योंकि देखो अब मैंने आपको कल भी बताया था कि तीनों को तभी कैंसिल कर सकते हैं जब वो एक ही टेबल से कट होंगे। अब क्या ये तीनों एक टेबल से कट होते हैं, नहीं,
क्योंकि अगर आप दो से काटोगे तो पहले पहला और तीसरा कटेगा, पांच से काटोगे तो दूसरा और तीसरा कटेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों कैंसिल हो गए, राइट? कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाए, राइट? तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, 20% है, 50%। अगर कम होता, अगर ये कम होता 20%, तो पहली वैल्यू कितनी आती? 80, दूसरी 50 और चौथी 100, तीसरी 100, समझ रहे हो ना? अगर लिखा होता है कि 50% लेस है, अगर लेस लिखा हुआ होता तो फिर आप 100 में से माइनस कर देते, आप 100 में से उसको क्या कर देते? माइनस कर देते। एक सेकेंड, क्लियर? हाँ, एग्जाम में नहीं होते तो देखो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ एग्जाम में नहीं जा सकता सर। चार पांच कैसे? क्योंकि सिर्फ 12 और 15 को ही पूछा गया था ना, तो 12 और 15 को तो आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, इस वजह से 100। हम देखो यार, आप मैथ में कोई नंबर, एक तरीका तो ये होता है कि आप x मान लेते हो या फिर 100 मान लेते हो। 100 मान लेने का मतलब क्या होता है? अज्यूम करने का मतलब होता है कि उसको बेस बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हंड्रेड इस वजह से अज्यूम किया जाता है क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन करनी आसान होती है, समझ रहे हो ना? हम 100 इस वजह से मानते हैं क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन करनी बहुत आसान है। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, राइट? सर 15 और 10 भी तो, अरे लेने को तो कुछ भी ले सकते हो यार, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अब क्लास का मीनिंग ही घुमा देते हो आप। इसको आप 100 तरीके से बना लो, चाहे आप इसको 1000 मान लो, आप इसको 500 मान लो, जो मर्जी मान लो, आंसर आ जाएगा। 100 में ये फायदा है कि 100 में कैलकुलेशन सबसे आसान होती है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। अगर आप 100 यूज करोगे तो कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों में हो जाएगी, अदरवाइज एक्स वाई लोगे तो कंफ्यूज होते जाओगे। है ना? चलो अगला बनाओ। अब यहां पर चार चार रेशोज हैं, तीन रेशो में डिफरेंस अलग नहीं आएगा, दो नंबर इस वजह से क्योंकि पूछा ही दो नंबर था बेटा, उसमें गैप ही दो नंबर्स का पूछा, इस वजह से हमने दो ही लिया। अब देखो इसको ध्यान से समझना, सम ऑफ मनी है वो ए बी सी डी के अंदर, ए रेशो बी रेशो सी और रेशो डी, इनके अंदर 5, 2, 4, 3 में बांट दिया, तीन में बांट दिया, मतलब टोटल अमाउंट, टोटल कितनी वैल्यूज होगी अगर मैं पैसा देखूं, 5, 7, 11, 12, 13, 14, जो टोटल वैल्यू है वो 14 के बराबर होगी, बट 14 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि उसने टोटल वैल्यू दी ही नहीं, ठीक है? तो टोटल वैल्यू का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह जाता क्योंकि टोटल वैल्यू है उसके द्वारा दी ही नहीं गई है, बट उसने एक बात बोल दी
कि जो सी है उसको 1000 ज्यादा मिले डी से। क्या पूछा उसने कि जो सी है ना उसको 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं डी से, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितनी यूनिट ज्यादा मिली है? एक यूनिट ज्यादा मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक यूनिट है वो किसके बराबर है? वो 1000 के बराबर है। मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो एक यूनिट है उसका मतलब 1000 रुपए है। उस यूनिट का मतलब क्या है? 1000 रुपए है। तो अब उसने पूछा बी का शेयर कितना है? बस बी का शेयर तो 2 है, तो 2 गुणा 1000 दैट इज 2000। हो जाएगा, समझ आ गया? सिंपल है ना, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। बस गैप देखो, यूनिट को बराबर कर दो। देखो क्वेश्चन की यूनिट और जो एक्चुअल यूनिट है उन आप उनको आपस में बराबर कर दोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये काफी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सी का तो सी के पास कितने रुपए हैं, सी के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे सर 4000। क्यों? क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर। हमें रेशियो में यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेशियो को यूज करना होता है। एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो बाकी सब कुछ बन जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू निकालो। अरे यार, उसने बोला कि सी के पास डी से 1000 रुपए ज्यादा है। यूनिट के हिसाब से डी के पास 3 यूनिट है, सी के पास 4 यूनिट है, तो एक यूनिट का गैप है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक यूनिट का गैप 1000 के बराबर है। तो 1000 के बराबर है तो बी का यूनिट 2 है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो यो यूनिट की वैल्यू 2000 हो जाएगी। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया। हाँ, डी का 3000 हो जाएगा। अरे भाई, इसका 3000, इसका 4000, इसका 5000, तो कुछ भी पूछ लेना। जब एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो क्या ही फर्क पड़ता है? यार तुम तो ना ऐसे, जब तुम्हें एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई फिर वो क्वेश्चन को जो मर्जी घुमाता रहे। तुम तो ना एकदम से पहली दूसरी वाले बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हो। छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे, वो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बनाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है वैसे तो, ये कुछ इसमें ज्यादा है भी नहीं है, करवाया हुआ है, एलसीएम वाला है। आप भी पहली क्लास वाले टीचर बन जाओ। नहीं नहीं, आप पहली क्लास वाले बच्चे बन जाओ, मैं 8वीं क्लास का बनता हूं जहां पर मुर्गा बनाते हैं कान के नीचे लगाते हैं, चलेगा? आप पहली क्लास के बच्चे बन के रहो और मैं 8वीं का टीचर बन के रहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पिटाई 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास होती है। हमारे स्कूल में एक नई मैम आई थी, हम तो 7वीं क्लास में थे, तो वो ना 5वीं तक का जो स्कूल होता था वहां पे आई थी। अरे भाई, वो इतनी खतरनाक मैडम आई थी। एक दिन उसने एक लड़के को 2-2.5 घंटे तक मुर्गा बना के रखा और जब वो उठा, बेचारे से उठा नहीं गया, उसको उठा के लेके गए, उसकी टांगे काम करना बंद कर गई। 2-3 दिन बेड रेस्ट मिली उसे, तब जाके उसकी टांगों में थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ। भाई इतने खतरनाक है मैडम, अच्छा हुआ हम पहले पहले कर गए क्रॉस। चलो इसको बनाओ। सुनो, देखो कोई अमाउंट है ए के हिस्से में आया 3/16,
तीन बटे सोलह बी के हिस्से में आया एक बटे चार, सी के हिस्से में हमें नहीं पता कितना आया, बट ये बता दिया कि इसके हिस्से में 81 रुपए आए हैं, है ना, इसके हिस्से में 81 रुपए आए हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, देखो एक बात तो ये रेशो की फॉर्म में है तो हमें इनको एब्सोल्यूट नंबर में लेके आना है, तो एब्सोल्यूट नंबर में कैसे लेके आएंगे, 16 और 4 का एलसीएम ले लो, 16 और 4 का एलसीएम ले लो 16, तो आप ये अज्यूम कर लो कि 16 हमारे पास टोटल रुपीज रहे होंगे, 16 हमारे पास टोटल यूनिट्स रही होंगी, तो अगर 16 है तो इसको गुणा करा 16 से तो ये कितना आ गया 3, इसको 16 से गुणा किया तो 16 चार, और हमारे पास टोटल कितना है 16, 16 में से 3 + 4 = 7 निकल गया, तो सी के हिस्से में कितना बचा 9, क्योंकि हमने एलसीएम को ही माना ना कि ये हमारा टोटल है, तो इसके हिस्से में 3 आ गया, इसके हिस्से में 4 आ गया और इसके हिस्से में 9 आ गया। अब इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 81, 9 यूनिट्स की वैल्यू 81 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 9 के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 27 के बराबर, और 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 36 के बराबर, राइट सिंपल। ये आपको कल समझाया था एलसीएम का मेथड, एलसीएम हमने टोटल मान लिया क्योंकि यूनिट्स है उसको आप जैसे मर्जी अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हो। देखो उसने 3/16 हिस्सा इसके पास था, 1/4 इसके पास था, यहां पर हमें नहीं पता उसके पास कितना था, बट हमें यह पता चल गया कि 81 टोटल है, तो हमने क्या कर लिया 16 और 4 को का एलसीएम ले लिया और एलसीएम के साथ गुणा कर दिया। आप बोलोगे सर 9 कैसे, अरे बेटा टोटल 16 माना था ना, टोटल 16 माना था, तो ये 3 ये था और 4 ये था, तो टोटल कितना बन गया था, ऑलरेडी हमारे पास 7 था तो 16 में से 7 को माइनस किया तो बकाया कितना बच गया 9, बाकी बकाया कितना बच गया 9, तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 81 दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग बाकी यूनिट्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली 27 और 36, 27 और 36 हमारी बाकी की वैल्यू भी आ गई, 16 ही क्यों, क्योंकि एलसीएम है ना वो, अरे यार ये 16 के साथ गुणा नहीं किया इसको, कल पढ़ाया तो था एलसीएम कैसे यूज करते हैं, 16 टोटल है ना तो 16 के साथ गुणा कर दिया 3/16 को ताकि नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाए, एलसीएम लेने का मतलब यही होता है ना कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको खत्म कर देते हैं, डिनोमिनेटर को खत्म कर देते हैं। है? हाँ बिल्कुल, तो उसने बोला था ए को 3/16 हिस्सा मिला, बी को 1/4 मिला, सी को नहीं पता था तो इस वजह से हमने सी का हिस्सा निकाला एलसीएम मान के, सभी को 16-16 के साथ गुणा कर दिया, तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, इसकी 4 आ गई, तो 7 हमारे पास ऑलरेडी आ गया और बकाया कितना बच गया 9 बच गया, तो 9 और 7 16, 16 इज द राइट आंसर। हमें पूछा है बी को कितना धन प्राप्त हुआ, तो बी की वैल्यू कितनी है 36, आंसर कितना आ जाएगा 36, आंसर कितना आ जाएगा 36, ठीक है 36 कैसे, हे भगवान यार तुम लोग स्क्रीन पे नहीं देखते हो क्या, एक एक चीज लिख रखी हुई है यार मैंने, मैं हैरान हूं यार तुम लोगों से, मतलब तुम सब वैल्यूज, जब एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो सारी वैल्यूज को 9 से गुणा नहीं करेंगे, जब हर एक यूनिट की वैल्यू 9 है तो हर यूनिट को 9 से गुणा करेंगे। अब सर 9 कैसे आया, ये मैंने 3-4 बार बताया है, इसका मतलब आप देख ही नहीं रहे हो, मैंने आपको 3 से 4 बार ये चीज बताई है कि 9 कैसे आया, 3
तीन और चार सात था, ये 16 था, 16 में से 7 को माइनस किया तो 9। अब खुद बताओ कि यार यहां पर मेरी गलती है या आप लोगों की गलती है? इसका मतलब आप ध्यान से नहीं देखते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हो जो मैं आपको कवर करवाता हूं। प्लीज फोकस होके पढ़ा करो। और मैंने सबसे बेस्ट चीज आपको बताई है, बेस्ट चीज बताई है कि कमेंट बंद करके पढ़ा करो, जिसको फोकस करने में दिक्कत आती है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं ना, मैक्सिमम 90% बच्चों को पहली बार में ही समझ आ जाता है, बाकी 10% को दूसरी बार में आ जाता है। तीसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप कोर्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो और एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हो। फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी? गैप नहीं लेना इसमें, इसमें तो डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो ये होगा। चलो अभी कुछ एजिस वाले क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, सम ऑफ देयर इज एजेस इज 28, फाइंड द एज ऑफ बोथ। उसने बोला कि ए और बी की जो एजेस की रेशियो है वो 3:4 है और उनकी एजेस का जो टोटल है वो 28 है, तो दोनों की एजेस पता। बिल्कुल सिंपल रेशियो की एप्लीकेशन है, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन है, अभी तक जो पढ़ा हुआ है ना ये सब उसी की एप्लीकेशन है। देखो, अगर ए और बी की रेशो 3:4 है और इसका सम 7 है, तो 7 किसके बराबर है? 28 के बराबर। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में यह चीज समझा दी थी, रेशो को लेके सबसे पहली क्लास में यह चीज समझा दी थी कि 7 जो रेशो का टोटल होता है वही क्वेश्चन में दिए हुए टोटल के बराबर होता है। तो 7 किसके बराबर हो गया? 28 के बराबर हो गया। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी? अगर 7 28 के बराबर है तो एक यूनिट 28/7 दैट इज 4, 4 के बराबर हो गया। तो 4 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि ये भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगी, 4 × 3 = 12, और ये भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगी, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ठीक है जी? सिंपल। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज द सबसे बेसिक क्वेश्चन रेशो का। अगला बनाइए। बताइए, बनाइए। देखो, रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7, ए और बी का जो रेशियो है वो 4:7 है और उनके
एजिस का जो डिफरेंस है वो 31 है, तो ये जो 3 का गैप आ रहा है ये किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 11 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 11 के। तो 11 के बराबर हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, 11 4 44 और ये 77 77 चल गया। अगला क्वेश्चन बना गया, टोटल क्यों नहीं लिया, तो टोटल पूछा ही नहीं है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस का मतलब गैप, जब डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस लेंगे, अगर गैप अब टोटल पूछा है तो टोटल लेंगे। तो ऐड थोड़ी करना है बेटा, सम नहीं पूछा है। अब ये चीज ध्यान में ध्यान से रखो कि टोटल पूछा है तो टोटल लेंगे, गैप पूछा है तो गैप लेंगे। अगला बनाइए, बताइए। एक सेकेंड, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज 3:2, वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो सपोज करो ये ए है ये बी है, तो रेशियो 3:2 है। तो एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि गैप ही सब कुछ होता है, मतलब कोई एक दूसरे से बड़ा है उसका भी मतलब गैप ही है, कोई दूसरे से छोटा है उसका मतलब भी गैप ही है, तो गैप ही है। इस एक का मतलब यहां पर 5 है, इस एक का मतलब यहां पर क्या है, 5 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 15, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा, है सिंपल। अगला बनाइए, लाइक रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए रेशियो बी इक्वल टू 4। ए रेशियो बी है वो 4:5 है, और उनका सम किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अगर सम 36 के बराबर है तो वैसे सम किसके बराबर है, 9। तो 9 का मतलब 36, तो एक यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 9
एक यूनिट का मतलब चार हो जाएगा। तो अब सीधा सा लॉजिक लगा के देखो, अगर आज उसकी उम्र 16 साल और 20 साल है, तो 4 साल के बाद क्या होगी? ये 20 हो जाएगी और ये 24 हो जाएगी। तो रेशो कितनी हो जाएगी? 5:6। सिंपल, क्योंकि उम्र बढ़ रही है ना। अगर आज वो 16 साल के हैं, तो आज से 4 साल के बाद उम्र भी तो 4 साल से बढ़ जाएगी, उम्र भी 4 साल से बढ़ जाएगी। तो रेशो भी कितनी हो जाएगी? रेशो वुड बी 5:6। रेशो कितनी हो जाएगी? 5:6, राइट? तो ये 20 हो गया ना यहां पे, आज की 16 और 20 है आज से 5 साल। देखो, अब एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, एज का गैप है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो आपकी और आपकी बहन के बीच में एज का गैप है, जो आपका और आपके भाई की एज का गैप है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, दैट विल नेवर चेंज। तो वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहे होगा। अगला बनाओ, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए और बी की रेशियो आज 5:7 है, 8 साल के बाद वो 7:9 बन जाएगी। तो आज की एज पता करो। ये अभी वही डिफरेंस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा, डिफरेंस वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। अब देखो, आज की जो रेशियो है वो 5:7 है, आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 साल का मतलब 8 ऐड करना प्लस 8 प्लस 8, रेशियो कितनी बन जाएगी? 7:9। तो अगर गैप देख रहे हो तो यहां पर भी 2 का है और यहां पर भी 2 का है, इसका मतलब 2 का बराबर 8 है, तो 1 का मतलब 4 हो जाएगा। तो उसने पूछा फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है? 5 चौका 20, 7 चौका 28। यहां पर तो बराबर ही था ना गैप, गैप भी बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर जो गैप था वो ऑलरेडी बराबर था, यहां पर जो गैप था वो ऑलरेडी बराबर था, आपको बराबर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको उस गैप को बराबर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अगर फ्यूचर का पूछा होता तो फिर इसको 4 से गुणा कर दो, 28 और 36। अट्ठाईस और छत्तीस है ना, कितना हो जाएगा? 28 और 36। चलो अगला बनाओ। एजी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, छोटे छोटे से। नीचे की तरफ से गैप लेते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली। अब देखो, प्रेजेंट एज, आज की एज है वो 8, अब इसमें पीछे की तरफ जाना है, तो आप यहां पे प्रेजेंट मान लो, यहां पे प्रेजेंट एज मान लो, तो 8:5 है, तो 12 साल पहले की बात हो रही है, मतलब पीछे की तरफ जाना है 12।
तब कितनी थी, 5:2 थी, मतलब ये माइनस हो गया, तो गैप तो अभी भी 3 का ही है ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, गैप तो 3 का ही है, 3 का गैप किसके बराबर है, 12 के, तो 1 का 4 के बराबर। प्रेजेंट एज पूछी है, अब प्रेजेंट कौन सी है, ये वाली है, प्रेजेंट वाली, 8 चौका 32, 5 चौका 20, 8 चौका 32, 5 चौका 20, ये वाली पूछी हुई थी, 32 और 20 आपसे पूछा गया था, ठीक है जी, 32 और 20 है ये आप लोगों से पूछा गया था, बाकी तो आपने, बाकी तो आप कर ही लोगे, उसमें तो क्या ही रह गया, बाकी में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। सर 12 को कम नहीं, काम नहीं है बार, अरे यार मेरे को एक बात बताओ, गैप का मतलब गैप है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, मतलब अगर मैं 8 5 8 5 5 2 लिख दूं ऐसे, तो क्या कोई फर्क पड़ता है, ज्यादा कम का कोई दिक्कत नहीं है, दैट आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, हमें तो सिर्फ डिफरेंस देखना है ना, डिफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है बस, उसके बाद आपने बस ये ध्यान से देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है और फ्यूचर वैल्यू कौन सी है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में जो वैल्यू रह जाएगी वो ये कि प्रेजेंट और पास्ट क्या रह जाएगी। अरे भाई 12 का कैलकुलेशन कर तो दी यार तुम, मतलब एक चीज मैं ऑलरेडी जो 10 बार पढ़ा चुका हूं, आप उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हो, ये 3 का गैप है, इसके अकॉर्डिंग ये 12 का गैप है, तो 1 का मतलब 4 के बराबर होगा, बस गैप ही तो बराबर है ना 12 के, तो 1 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगी। मैं ना कभी कभी भगवान से ये दुआ करता हूं कि जब आप कल टीचर बनो ना, आपको आपके जैसे बच्चे मिले, तब आपको मजा आएगा, आपको नहीं आएगा मुझे आएगा, तब मुझे बहुत मजा आएगा जब आपको आपके जैसे बच्चे मिलेंगे। चंपक टाइप, चंपक, मुझे सब पता चल जाएगा, अगला बनाओ, ऐसी बद्दुआ मत दो सर, बद्दुआ थोड़ी है ये तो दुआ है, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने अच्छे हो ना, तो आपको आपके जैसे बच्चे मिलने चाहिए। मतलब जैसे आप हो वैसे आपके स्टूडेंट, अब आप अच्छे हो खराब हो वो आपको पता होगा। चलिए, राम और श्याम की एज 15 साल पहले, मतलब 15 years ago, मतलब 15 साल पहले 2:3 थी, मतलब 15 साल पहले की बात हो रही है, और आज कितनी है, आज 5:8 हो गई है, सॉरी 2:5 है ना, 5 है, तो ये राम बाबू और ये श्याम बाबू, राम बाबू और श्याम बाबू, तो गैप कितने का है, 15 का गैप है, तो बबुआ गैप तो 3 का ही है ना, तो 3 किसके बराबर है, 15 के, और 1 किसके बराबर हो गया, 15 / 3, दैट इज 5, तो 5 है। अब उसने पूछी कौन सी है, प्रेजेंट एज, अब ये है प्रेजेंट एज, राम की प्रेजेंट एज या श्याम की प्रेजेंट एज, श्याम की प्रेजेंट एज पूछी है 40,
और इसकी कितनी है 20, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, ये तो 15 साल पहले था राम बाबू श्याम बाबू, तो आज कितनी आएगी 5:8। सॉरी ये 25 होगा ना, ये 25 हो जाएगा, हाँ हाँ 25 आ जाएगा इंटू 5। अरे आप सही हो भाई, हम गलत हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं, समझ रहे ना, हम तो आप ही से सीख रहे हैं। चलो अगला बनाओ, इसको बनाओ, तब तक मैं यूपीएस को बंद करके आता हूं। अब इसमें क्या करने का, देखो ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज इज 5:6, 5 और 6 है। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो विल बी 5, 7 एंड 8, 7 और 8 हो जाएगी, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद ये हो जाएगी, तो 2 का मतलब 2 ही है, तो 1 यूनिट 1 के बराबर होगी। अब यहां पर पता है क्या है, रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 12 ईयर, 12 साल यहां से जब 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 5, इसकी उम्र इस टाइम पे 5 है और इसकी उम्र 6 है, तो 5 प्लस 12 इसकी 17 हो जाएगी और 6 प्लस 12 इसकी 18 हो जाएगी, 17 और 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट right? जो सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। वंस मोर, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा, ये एक्चुअल वैल्यू ही दे रखी है, 1 का मतलब 1 है, 1 यूनिट का मतलब 1 है, तो इसका मतलब 6 हुआ, ये 8 हुआ सर 2 में, तो ये अगर देखो यहां से 2 साल और यहीं से 12 साल, अगर आप यहां से ऐड करोगे ना, तो फिर इसमें 12 ऐड करोगे तो 12 नहीं वो 14 साल हो जाएगा। जिन बच्चों ने 7 और 8 में ऐड कर दिया ना, वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर 7 और 8 है, द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 12, तो 2 के बाद थोड़ी पूछा हुआ है, यहीं से 12 साल लेने हैं, ना कि नीचे वाले से, ऊपर से ही 12 साल लेने हैं, नीचे से 12 साल नहीं लेने, ठीक है जी। तो जो 12 है वो स्टार्टिंग में ही ऐड करना है, ना कि बाद में, ये गलती हुई होगी ज्यादातर बच्चों से, तो इस वजह से यहां पे ऐड करना था ना कि यहां पे। बोलो समझ में आया, अरे बोलो ना, 12 को डिवाइड नहीं करेंगे 2 से। अरे बच्चों क्यों नहीं समझ रहे हो, यहां पर 2 का गैप था और यूनिट भी 2 थी, तो आपको 1 की वैल्यू 1 आ गई, तो आज उनकी उम्र 5 साल है, इसकी 6 साल है, 2 साल के बाद 7 साल और 8 साल हो जाएगी, और 12 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ऐड करके आएगा ना, मतलब तुम्हारी उम्र अगर आज 25 साल है, तो आज से 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, या पीछे को चलोगे, 15 थोड़ी हो जाएगी, इस हिसाब से तो आने वाले 15 साल में तुम गायब हो जाओगे दुनिया से,
इसके हिसाब से तो तुम अगले 15 साल में गायब हो जाओगे दुनिया से। उम्र बढ़ती है तो आगे की लिखा हो तो ऐड करते हैं और पीछे की लिखा हो तो माइनस करते हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो जमा करेंगे और अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। आगे जाएं जमा करें, पीछे आए मना करें, राइट? क्लियर है जी? ओके जी, चलिए। इसके बाद इसके अंदर ना 8-9 क्वेश्चन और हैं ऐसे ही, वो सारे आपके होमवर्क हैं, क्योंकि सारे मैं ही करवा दूंगा तो आप कैसे करोगे। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को होमवर्क में करके आइए और उसके बाद फिर कल मैं इसको खत्म करवाऊंगा। और कल हम एवरेज का एक बहुत ही परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन टेबल, कल रटवा देना है आप लोगों को। कल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको रटवा देना है और कल आपसे मैंने टेबल सुनने हैं ऑडियो पे 20 तक के, तो सारे बच्चे 20 तक के टेबल को याद करके आएंगे, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले आप लोगों को बोल दिया था कि टेबल याद करके आना। तो कल मैं ऑडियो पे नाम ले लेके आपसे टेबल सुनूंगा, सो बी श्योर कि आप सारे बच्चे 20 तक के टेबल को याद करके आना। मैं किसी का भी नाम लूंगा और ऑडियो पे बुलाऊंगा और बोलूंगा बेटा 17 का टेबल सुनाओ, बेटा 19 का टेबल सुनाओ, तो सुनाना, नहीं तो घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। समझ रहे हो ना? नहीं तो घनघोर बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा ना हो कि होली में हॉली हॉली बेइज्जती हो जाए। होली में बेइज्जती ना हो जाए, सब चीटिंग करेंगे। कोई बात नहीं, चीटिंग करोगे तो क्या होगा? जो बच्चा चीटिंग करेगा फिर उसको श्राप दे दिया जाएगा। देखो बेटा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितने करवाया जा रहा हूं उन्हीं को बार बार कर लो, उन्हीं को बार बार कर लो। कोई आएगा ऑडियो पे बोलेगा सर जी मैं तो गूंगा हूं, इतनी बात बोल के कॉल कट कर देगा ना। सर जी मैं तो गूंगा हूं, बोल भी दिया और बोल भी दिया कि सर मैं तो गूंगा हूं। ठीक है भाई, तू गूंगा है तो सही है। चलिए मिलते हैं अभी 2 बजे की क्लास में, और 4:30, 4:30 की क्लास यार शायद आज शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर 4:30 नहीं हुई तो उसको आगे पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि शायद वो थोड़ा लेट होगी, मतलब 5:30-6 बजे। 4:30 अगर नहीं हुई तो थोड़ा लेट हो जाएगी, 6 बजे के आसपास हो जाएगी, 6, 6:30 बजे मतलब होगी आज ही, थोड़ा आगे हो जाएगी, मैं आपको टाइम पे बता दूं। 2 बजे पेपर 2 की क्लास है, 2 बजे की क्लास पेपर 2 की है। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, JRF जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, और होमवर्क करके आना जितने क्वेश्चन इसमें पेंडिंग है, कल ये सारे क्वेश्चन करके आना। हाँ, बाय।